नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है गार्डन ऑफ परमेश्वर यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी, माँ लक्ष्मी और कुबेर का आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आपके घर में धन और धान्य की कभी कमी ना हो। आपकी संतान विद्वान हो। आपके घर में मांगने वाला कभी खाली हाथ ना जाए। आज हम आपके लिए लाए हैं मनी प्लांट, क्योंकि आज लक्ष्मी जी का दिन है, दीपावली है, तो लक्ष्मी का आगमन बना रहे, इसके लिए मनी प्लांट आपके लिए ये लाए हैं। मनी प्लांट की जानकारी आपको देंगे। ये देखिए, ये मनी प्लांट है। ये हमने यहाँ काफ़ी सारे मनी प्लांट लगा रखे हैं और भी हैं दूसरी साइड में। मनी प्लांट भारत में 8 प्रकार के होते हैं। इसका जो असली नाम है वो है पोथोस। पोथोस नाम है इसका। और काफ़ी अच्छा सुख समृद्धि शांति लाने वाला ये प्लांट है। मनी प्लांट इंडोर प्लांट होता है। यह घर में सुख समृद्धि धनदायक होता है। इसके 8 प्रकार होते हैं अपने भारत में जो है। जैसे गोल्डन मनी प्लांट जो आप देखते होंगे कहीं घरों में, पानी की बोतल में रखते हैं उसको, कांच की बोतल में। दूसरा है मार्बल क्वीन मनी प्लांट, यह धूप में रहता है। तीसरा मार्बल प्रिंस मनी प्लांट, लेमन लाइम मनी प्लांट, सिल्वर मनी प्लांट, ग्रीन हार्ट लीफ मनी प्लांट, मंजुला मनी प्लांट, हवाइयन पोथोस मनी प्लांट, ये काफ़ी सारे नाम हैं। इस मनी प्लांट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एप्री प्रेमनम ओरियम है। और ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत शुभ माना गया है, रिश्तों को मजबूत करता है। इसके मैं फ़ायदे आपको बता देता हूँ। ये हवा को शुद्ध करता है, शांति लाता है, हवा में नमी बढ़ाता है, नकारात्मकता को दूर करता है, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाता है, घर में धन लाता है, रिश्तों को मजबूत करता है, एंटी रेडिएटर का भी काम करता है। एंटी रेडिएटर मतलब लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेशन, फ्रिज वगैरह, मशीन वगैरह, इनसे जो विद्युत चुंबकीय जो हानिकारक तत्व होते हैं, उन जो किरणें होती है उनसे भी हमारी ये रक्षा करता है। मनी प्लांट को बेहतर शुभ माना गया है वास्तु के हिसाब से। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैं आपको जो प्लांट दिखा रहा हूँ, ये जो 8 प्रकार में से है, इसको इसका नाम है मार्बल क्वीन मनी प्लांट। ये हमारा जो प्लांट है ये मनी प्लांट ही है, लेकिन उसका एक प्रकार, 8 प्रकार में से एक प्रकार है मार्बल क्वीन मनी प्लांट। इसको 5-6 घंटे की धूप चाहिए, इसलिए हमने इसको धूप में रखा हुआ है। अब आते हैं वास्तु के हिसाब में इसका क्या महत्व होता है। वास्तु में इसका बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस पौधे का संबंध सीधा धन की देवी लक्ष्मी से है। इसे घर में लगाने से समृद्धि आती है। यही वजह है कि अक्सर लोग घर में मनी प्लांट लगाते हैं। यह एक बेल के रूप में होता है।
वास्तु में मनी प्लांट को धनदायक पौधा कहा गया है। घर में रुपए पैसों का आगमन सुचारू रूप से होता है इस मनी प्लांट को लगाने से। मनी प्लांट जितना हरा भरा होता है घर में उतना ही धन आता है या धन वृद्धि करता है। वास्तु में मनी प्लांट के लगाने के कुछ नियम भी हैं, यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो धन वृद्धि के बजाय आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो जितनी मुझे जानकारी है तो मैं बता देता हूँ। मनी प्लांट को धन से जोड़कर देखा जाता है तो इसको आप हमेशा घर के अंदर लगाएं, घर के बाहर नहीं, घर के भीतर लगा के रखें। मनी प्लांट को सीधे धूप से दूर रखें, इसको ज़्यादा धूप में ना रखें, यह सूखने लगेगा और सूखती हुई मनी प्लांट आर्थिक तंगी की ओर संकेत करता है। इसको आप बड़े गमले में लगाएं ताकि ये सही से फैल सके। और सबसे बड़ी और मुख्य बात, दिशा, मनी प्लांट की दिशा पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। गलत दिशा में लगा मनी प्लांट आर्थिक उन्नति में बाधा बन सकता है। मनी प्लांट को हमेशा आग्नेय कोण होता है पूर्व और दक्षिण के बीच वाली दिशा, जिसे हम अग्नि कोण कहते हैं, वहां पर इसको लगाएं। मनी प्लांट को खरीद कर ही घर में लगाएं, किसी और के घर से लाकर कभी ना लगाएं। इसको कांच की हरी या नीले रंग की बोतल में लगाएं। अब मैं कुछ राशियां आपको बता देता हूं जिनके लिए मनी प्लांट उनके घर में लगाना बहुत ही शुभ है। वृश्चिक राशि वाले, कर्क राशि वाले, वृषभ राशि वाले, धनु राशि वाले, इनके लिए यह मनी प्लांट बहुत ही शुभ होता है। वैसे प्रत्येक राशि के लिए शुभ है लेकिन इनके लिए कुछ विशेष है। आप इसे शुक्रवार के दिन लगा सकते हैं और इससे और भी ज़्यादा आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप बुधवार के दिन अगर रेवती नक्षत्र पड़े, बुधवार के दिन अगर रेवती नक्षत्र हो तो उस दिन आप मनी प्लांट को अपने घर में लगाएं। तो फिर से आज दीपावली है तो इसलिए हमने मनी प्लांट का ये वीडियो बना के डाला है। आप आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि इसमें कैसी खाद डाली जाती है, कैसे इसकी कटिंग होती है। अगर आपको अभी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को और मेरे इस पेज से आप जुड़े, मेरे इस चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको जानकारी मिलेगी। पेज से याद आया कि हमने इसका पेज भी बना रखा है फेसबुक पे, वो भी हम आपको आने वाले समय में बता देंगे। धन्यवाद मित्रों, फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे, गणेश जी रिद्धि सिद्धि सहित, शुभ लाभ सहित, लक्ष्मी जी कुबेर जी सहित हमारे घर में, हमारे भंडारे में, आप सब लोगों के घर में भंडारे में निवास करें। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।